गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, प्रीति के ब्लॉग। तो आप देख सकते हो सुबह का टाइम है, चाय दूध हमारा सब हो चुका है और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। इसमें आज मैं बना रही हूँ काले चने, ये पानी गर्म करने को रख दिया। इसमें मैं उबाल दूंगी आज चिप्स जो मैंने कल रात को बनाए थे, तो फटाफट उबाल के फटाफट छत में डालेंगे, क्योंकि आप पीछे देख सकते हो धूप अच्छी खासी आ चुकी है। और ये रही मिश्री, गुड मॉर्निंग, लाइक करें बोल दो। हेलो कर दिया, हेलो कर दिया। और ये रहे मेरे काले चने, तो इनको फटाफट मैंने प्याज कट कर लिया और टमाटर ये रहा फटाफट कर लूँगी। कल मिशू और मम्मा ने मिलके इतने सारे चिप्स बनाए हैं, तो फटाफट इनको पानी निकाल के फटाफट इनको उबालने डालूँगी। मतलब 50-60% हमें उबालना है और फटाफट छत में डालना है। हरीज डालते हुए आएंगे, मैं फटाफट उबाल लूँगी, फटाफट काम पड़ जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग की रूटीन। लोग प्लीज ब्लॉग के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। फिर मेरा प्याज भुनने लग गया और ये पानी भी ऑलमोस्ट गर्म होने लग गया। इसमें उबाल आने देती हूँ, उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। दैट्स इट, अब एक उबाल आएगा उसके बाद। ये इतने सारे आलू हैं, ये मैंने बाल्टी में इसलिए रखे हैं क्योंकि बर्तन छोटा पड़ गया था। इनको इसमें डालते हैं, तब तक सब्जी भी बन रही है। प्याज बॉईल हो गया, अदरक मैंने इसमें कूट लिया है, ये रहे मसाले और टमाटर और ये रहे छोले। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हो गया है और ये चिप्स मैंने गर्म कर दिए हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट टाइम बनाया, पता नहीं कैसे होंगे, मेरे को अंदाज तो आ नहीं रहा है, लेकिन बट फिर भी मेरे ख्याल से ठीक पके हैं ये, क्योंकि ज़्यादा पकने के बाद टूट जाएंगे। और ये लास्ट बचा है, इसको भी करके फिर इसमें छान के फटाफट छत में जाके छत में डालते हैं। और बर्तन बर्तन सब धोने, आप देख सकते हो नाश्ता हो गया। उसके बाद आज बहुत सारा काम है। ये वाले बेड मैंने आपको बताया था, दोनों खोल के इनके सामान सारा निकाल के क्लीनिंग करनी है, गमले लगाने हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, तो धीरे धीरे सारे काम निपटाते हैं। और सबसे पहले चिप्स का काम कर लेते हैं ताकि चिप्स पूरे हो जाएं। तो ये हो गया था लास्ट है। हाँ, और ये मेरी मदद करेंगे, करोगे ना मेरी मदद? हाँ, कब नहीं की मदद, कभी करो। अभी चिप्स में भी मदद करोगे ना? हाँ कर देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं और फिर छत पे चलते हैं। आप मिलते हैं सीधे छत में, बाय। वो भी खाओ, एक हाथ से करो इस हाथ में। और ये काम स्टार्ट हो गया है चिप्स को धूप में रखने का। मिशु हेल्प कर रही है अपनी मम्मा की। हंस गया, हंस गया, हंस गया। काम कर रहे हो मिशु, काम कर रहे हो आप? मेरी बच्ची मेरी बहुत हेल्प कराती है, ऐसे भी मैंने चिप्स मिशु की वजह से बनाया। रोटी भी खाओ मिशु, चलो। गाइस फर्स्ट टाइम बनाए मैंने, पता नहीं कैसे बनेंगे, मम्मी से पूछा थोड़ा यूट्यूब में देखा, मेरे हिसाब से तो सही बने हैं। अब नमक मम्मी बोल रही थी कम चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा फिर हम खा नहीं सकते। सीधे बोल, मेरे को पता लग रहा था नमक कम डाल दिया। नहीं नहीं भाने मत मार, इससे डाला है अपने। अब देखो कैसे होता है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ यार, ये भी तो देखो। एक ही है बेटू, वो एक ही है। हाँ बेटा गाइस, ये मैंने सारे चिप्स यहाँ पे सुखा दिए हैं, थोड़ी देर में धूप इधर को आ जाएगी। इधर को इसलिए नहीं डाले ना, यहाँ पे थोड़ा चींटियाँ हैं, तो इसलिए तो इतने हुए हैं। अभी थोड़ी देर में सूख के तो बहुत कम हो जाएंगे। और ये रहे मिशु और मिशु के पापा। तो अब हम चलते हैं नीचे क्योंकि काफ़ी सारा काम है आज घर पर, तो आपको मिलते हैं सीधा नीचे। ये रहे मेरे चिप्स। तो दोस्तों हम लोगों ने ना प्लांट अंदर शिफ्ट कर दिया, ये देखिए हमने यहाँ पे लगाया है वॉश बेसिन के पास। पहले हमने यहाँ पे रखा था, बट यहाँ पे ना मिशु ज़्यादातर खेलती है तो थोड़ा सा डर रहता है, प्लस यहाँ पे उतना खास नहीं लग रहा था, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना यहाँ पे ये कैसा लग रहा है, ठीक है, कॉमेंट करके। और अब हम लोग ये बेड वगैरह पूरा खाली कर रहे हैं ताकि फटाफट इसके अंदर क्लीनिंग हो सके। आज मैंने ऊपर वाली विंडो भी ओपन कर दी है ताकि वेंटिलेशन आए थोड़ा सा, क्योंकि अब गर्मियाँ ही आ गई हैं। और ये मिशु को देखो, इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी में टोपी पहन के घूम रही है। ये मेरे बाल, मेरे बाल।
तो चलिए फटाफट अब बैठ के खाली करते हैं। ये कल लेके आई है मिशू स्नैक। हेलो पर नहीं था। हाँ तभी लिया ना। कौन बात कर रहे हैं आप बताइए। बेड मैंने कर दिया कि मिशू नहीं नहीं वो टूट जाएगा। ये थर्माकोल ना सारे हमने संभाल के रखे हैं, ये फ्रिज कूलर और उसके, ताकि शिफ्टिंग के टाइम पे ना दिक्कत ना हो, टूटे फूटे ना, क्योंकि इसमें शिफ्ट हो जाएंगे इस वजह से। तो फटाफट इनको भी मैं कपड़े से अच्छे से क्लीन करके इसके अंदर डाल देती हूँ। गाइस ये पूरा यहाँ का मैं क्लीन कर रही हूँ। इन दोनों का अलग ही हो रहा है, यहाँ काम चल रहा है पूरा घर टेंस ने से। मैंने सारा सामान बेड में शिफ्ट करके दूसरी बेडशीट बिछा दिया, आप देख सकते हो। सांप आ रहा है काटने। तो चलिए बाकी का काम निपटा दे, हरी सभी चाय बना रहे, तो मैं फटाफट यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ। ये रहा मिशू का स्नैक, चलिए फटाफट काम निपटाते हैं। फाइनली आ गया मिशू का पार्सल, इतने दिन से जो वेट कर रही थी। पिंक लैपटॉप मिशू का, ये देखो है ना। मिशू आप पता है आप निन्नू कर रहे थे, तो हमने कहा जब मिशू उठेगी हम तब खोलेंगे। वाह एक बार यहाँ दिखाओ, ये देखो गाइस मिशू का लैपटॉप। इसमें सेल नहीं डाले, इसमें 1 2 3 मिशू कैसा लगा आपको? अच्छा ये देखो, इसमें मिशू सेल डालेंगे ना फिर ये बोलेगा। आप बैठो मैं आ रहा हूँ। सुनो आप 1 दबाओगे तो 1 बोलेगा, 2 दबाओगे तो 2 बोलेगा, 3 दबाओगे 3 ऐसे करके बोलेगा। मिंटू अच्छा लगा? अरे 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 कहाँ भाग रहे हो? अरे भाग गई लड़की, अरे देखना कैसे भाग रही है। कब से वेट कर रही थी, कुछ भी बैल बजती थी ना घर की, ये बोलती थी मम्मा लैपटॉप आ गया, मेरा लैपटॉप आ गया करके। फाइनली आ गया इसका लैपटॉप, और उसमें तो काफ़ी बड़ा दिख रहा था बट साइज़ छोटा, बट ठीक है। हाँ मिशू के लिए ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कितने देर खेलने वाली है इसको, मुझे अच्छे से पता है। ये प्लांट फिर से चेंज कर दिया, वहाँ से यहाँ लगा दिया, क्योंकि ना वहाँ पे वो हैंड टावल है ना, बार बार वो पत्तों पे लग रहा था तो पत्ते टूट जाते ना, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया। और यहाँ पे प्लांट खिल के आ रहा है तो इसलिए। और मिशू को देखो कितनी एक्साइटेड हो रही है। मिशू मम्मा को थैंक यू बोलो। ये देखो रिमोट के सेल यूज करने पड़ते हैं यार इसके लिए। इसके लिए अभी सेल ले आना यार, इसमें 3 तो नहीं पड़ेंगे, 2 का ऐसा है, 3 का ये ऐसे खोलना पड़ेगा। किनारे किनारे के कोई तो सूख भी गए, देख सकते हो। अभी मैंने ऐसे फैला दिए, कल दोबारा 2-3 धूप और लगेगी इसको, तो ठीक है। आप ये दबाओगे तो ये बोलेगा। देखो अब दबाओ, आप कुछ दबाओ मिशू, ए दबाओ, ए कहाँ पे है? वो देखो आ गया ना। अब दबाओ बी दबाओ, आप भी बी बोलो, आप भी बोलो सी, जो वो बोलेगा आपको भी बोलना है, ठीक है। ई 1 2 दबाओ मिशू, 1 2 1 2 दबाओ। 1 कहाँ पे है? 1 दिखाओ मम्मा को कहाँ पे है। 1 दबाओ, 1 क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं, ये मेरे ख्याल से म्यूजिक है खाली। दिखाओ, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ ये म्यूजिक है, तो अब ये इससे खेलेगी थोड़ी देर। चाय हमने पी लिया, मिशू के लिए मैं दूध बना देती हूँ, क्योंकि मिशू सोई थी ना और मेरे को थोड़ा बैक पेन हो रहा था, तो मैंने चाय बना ली। चलिए तो गाइस शाम के बज चुके हैं, 7:30 होने वाले, और मैंने दिया वगैरह जला दिया है। मेरे मिशू मिशू अपनी नेल पेंट दिखा रही है आप लोगों को। वाह चलिए मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा, अभी हरीश अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो वो उनके अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए हैं ये रहे, और मैं सोच रही हूँ कुछ बना देती हूँ। वैसे सुबह की सब्जी भी है, छोले भी हैं, प्लस आटा भी है और चावल भी है, थोड़ी दाल भी है, तो अभी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हरीश बोले स्नैक में थोड़ा सा पास्ता बना दो,
तो मैं सोच रही चलो पास्ता बनाते हैं फटाफट से। हाँ आपका लैपटॉप देख लिया, कितनी बार दिखाओगे? आपकी चोटी देखो, ये देखो मिशु की चोटी कितनी प्यारी लग रही है। देख लिया है सबने आपका लैपटॉप भाई, लो देख लो मिशु का लैपटॉप। इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ अभी, क्योंकि रात हो गई, फिर मैं ना एंड करना भूल जाऊंगी। तो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रीति व्लॉग। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।